वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 30 kg वेट स्केल अगर वेट ठीक ना बता रहा हो तो हम उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 1 kg का डेड वेट है जबकि इधर ये वेट शो हो रहा है, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं अगर ये वेट ठीक ना बता रहा हो। जैसे इसको अभी मैंने ये 1 kg का जो डेड वेट है हम इसको नीचे उतार देते हैं। अब इसका मैं पहले जो कोड है वो लिखती हूँ, 3 6 5 8, और इधर मैं टेयर 1 टेयर कर दूंगी। जब मैंने ये कर दिया तो इसके ऊपर 2 शो हो रहा है। जब अब 2 शो हो तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर लोड रखें, तो मैंने इसके ऊपर लोड रख दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा से टेयर का बटन दबा दूंगी। ये मैंने टेयर का बटन दबा दिया, तो अब मैंने इसको 1 kg करना है तो मैं इसके अमाउंट इधर लिख देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 1 kg कर दिया, मैं इधर टेयर का बटन दबा दूंगी। 4, जब 4 आए तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी टोटल कैपेसिटी लिखनी है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हम लिखेंगे 30 kg। इधर मैं टेयर का बटन दबा दूंगी, 5 आ जाएगा, तो 5 का मतलब ये है कि इसके पॉइंट कितने डालने हैं, तो 3 हमें चाहिए, तो मैं इधर से 3 करके टेयर का बटन दबा दूंगी। अब 6 आ गया, 6 का मतलब ये है कि इसके हमने डिवीजन कितनी करनी है, तो मुझे 5 चाहिए तो मैं 5 ही कर देती हूँ। ये मैंने टेयर का बटन दबा दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 1 kg ही शो कर रहा है। जैसे ये मैंने डेड वेट नीचे उतारा है तो ये देखें यहाँ पे ये 0 भी शो कर रहा है, और जब मैं दोबारा से ये डेड वेट इसके ऊपर रख रही हूँ तो ये हमें एक्यूरेट वेट बता रहा है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये देखें M1 M2 M3 से रिलेटेड सारे बटन ये जो हैं इनकी भी वीडियो बना के अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और वेट स्केल से मुतल कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।